फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी ने रिलीज होते ही धूम मचाना शुरू कर दिया है। फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ फैंस की तरफ से भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छी मूवी है देश के प्रति, जो उस टाइम पे मतलब क्या कह सकते हैं, इट्स अ गुड मूवी एक्चुअली। और एक्टिंग की अगर बात करें तो किसकी एक्टिंग अच्छी? यू कैन गिव 10 बाय 10, आई थिंक एवरीबॉडी डूइंग अ गुड एक्टिंग। अक्षय कुमार इज वेरी गुड, बिकॉज आप भूल जाओगे कि इज अक्षय कुमार, एक सरदार का रोल है तो हमेशा ही करते हैं, बट इस पिक्चर में जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है, दैट इज अ वेरी गुड। बहुत अच्छी मूवी, बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी। अक्षय ऑसम यार, बहुत ही अच्छी एक्शन, मतलब कोरियोग्राफी से लेके उसकी जितनी बैकग्राउंड है, बहुत ही अच्छी, अल्टीमेट मूवी है। वही फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने वाली है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले वीकेंड तक केसरी के ज्यादातर शोज हाउसफुल हो गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में तो फिल्म का सुपर हिट होना तय है। यहाँ फिल्म के लगभग सभी शोज हाउसफुल हो चुके हैं। सिंगल थिएटर्स में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रही है। वहीं मुंबई, पुणे और गुजरात में भी फिल्म के शोज हाउसफुल होते जा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स के चलते दर्शकों की भीड़ थिएटर्स पर बढ़ती जा रही है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि केसरी अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड है। देशभक्ति के रंग में लिपटी इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आई। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अक्षय की केसरी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वैसे अगर आपने केसरी देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।